हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। एक बार मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। माई डिश माई तड़का तरफ से आपको नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी एलोवेरा की फलियों की सब्जी। ये देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है दोस्तों, और दोनों चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। और इस सब्जी को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो देखिए इस प्रकार से है। एक प्याज, 3-4 हरी मिर्च, 2 टमाटर जिनको छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, 8-10 कलियां लहसुन की जिनको पीस लिया है। और मसाले में देखिए 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा जीरा और हरा धनिया काम में लेंगे, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और 1 गिलास पानी का काम में लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लौकी को अच्छे से धोकर और ऊपर का जो भाग है वो हटा दिया गया। इस प्रकार से इसको छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए कच्ची लौकी ली है, बहुत ही आसानी से कट रही है। ये देखिए इसी प्रकार से छोटे टुकड़ों में एलोवेरा की फलियों को काट लेंगे। कच्ची फलियां दोस्तों आसानी से कट रही हैं। जो पीछे का भाग होता है वो भी बहुत ही गुणदायक होता है। ये देखिए दोस्तों एलोवेरा की सभी फलियों को इस प्रकार से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये देखिए गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में फ्राई के लिए थोड़ा तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे और इसी तेल में एलोवेरा की जो फलियां हैं उनको फ्राई करेंगे। इससे और भी सब्जी है जो अच्छी बनेगी दोस्तों। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें एलोवेरा की फलियां डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे घर से। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, इसको फ्राई करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से 4-5 मिनट इसको फ्राई करेंगे दोस्तों। एलोवेरा की फलियों की सब्जी सर्दियों के मौसम में अगर आप 4-5 बार खाते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द है बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें चिकनाई होती है, चिकनाई की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये सब्जी बहुत ही गुणदायक होती है शरीर के लिए। ये देखिए दोस्तों 4-5 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसको जर की सहायता से टिश्यू प्लेट में निकालेंगे। देखिए इसी प्रकार से सभी फलियों की को निकाल लेंगे। ये देखिए टिश्यू प्लेट में जो एक्स्ट्रा जो तेल है वो इसको सोख लेगा। ये देखिए दोस्तों बचे हुए तेल में घिया फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम एक बार मीडियम रखेंगे और इसी प्रकार से घर से इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो। घिया में भी बहुत ज़्यादा गुण होते हैं दोस्तों। घिया का जूस भी पिया जाता है, घिया की सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, शरीर के लिए लाभदायक होती है। देखिए इस प्रकार से इसको भी 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ये देखिए दोस्तों घिया फ्राई होती है तब तक जो मसाले हैं उनको सबको एक बॉइल में मिला लेंगे। देखिए जितने भी मसाले हैं, नमक, मिर्च, धनिया, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और ये देखिए इस प्रकार से चम्मच से, छोटे चम्मच से इसको अच्छे से मिला लेंगे। 4-5 मिनट के लिए इसको रखेंगे मिलाकर ताकि अच्छे से मिलकर तैयार हो जाए। इस प्रकार से पहले मिलाने से अच्छी ग्रेवी तैयार होगी दोस्तों। ये देखिए दोस्तों घिया भी है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसको भी टिश्यू प्लेट पेपर में निकाल लेंगे। ये देखिए इसी प्रकार से घर से अलग कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा तेल और डालेंगे, इसको भी अच्छे से गर्म करेंगे।
देखिए तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहले जीरा डालेंगे, हरी कटी हुई मिर्च, प्याज, लहसुन का पेस्ट, इन सबको अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों। प्याज को भूरा होने तक पकाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से 3-4 मिनट के लिए मीडियम गैस फ्लेम पर पकाएंगे। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें टमाटर ऐड करेंगे, इसको भी अच्छे से मिलाएंगे दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से अब इसमें जो मिला हुआ मसाला है वो डालेंगे, हल्दी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी, और सब्जी में अहम भूमिका ग्रेवी की होती है। ग्रेवी अच्छी बनती है तो सब्जी भी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। देखिए इस प्रकार से मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा पकाएंगे 2-4 मिनट के लिए। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है, जो मसाला है जो तेल छोड़ने लगा है। ये देखिए एलोवेरा की जो फलियां हैं और लौकी की जो फ्राई की हुई वो डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों एक्स्ट्रा तेल है जो टिश्यू पेपर में सोख लिया है, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और एक बार गैस का फ्लेम है जो हाई कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी सब्जी बनेगी दोस्तों। इस प्रकार से आप भी इस सब्जी को आसानी से अपने किचन में बना सकते हैं। ये देखिए अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे दोस्तों। ये देखिए ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा ही पानी डालना है ताकि ये लगे नहीं, और 5-7 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनेगी। ये देखिए ढक्कन हटाकर देखते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है दोस्तों, अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे खुशबू के लिए। लगाएंगे 2-4 मिनट के लिए और ठंडा होने देंगे ताकि इसकी जो धनिया की खुशबू है वो अंदर रह जाए। ये देखिए दोस्तों एलोवेरा और लौकी की सब्जी बनकर तैयार है। अब आप इसे रोटी पूड़ी परांठे के साथ में खा सकते हैं। बहुत ही